हाई गाइज वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डी कोडेड आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट विच इज़ नाउन वो कवर करेंगे हमने प्रीवियस वीडियो में जहाँ आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में समझा था अब हम उनकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे डिटेल में क्यों क्योंकि ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल ऑफ द फोर फाउंडेशनल स्किल्स विच आर अब तक तो आपको रट गया होगा रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपको इन चारों में से कोई भी करना है चाहे कहीं बातचीत करनी है इंटरव्यू देना है ग्रुप डिस्कशन करना है आपको वीज़ा लगवाना है आपको कहीं एडमिशन लेना है फॉर एवरी थिंग यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग होल्ड ऑन ग्रामर अब हम नाउन को अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन आप सबको आती है फिर भी एक थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं नाउन मतलब संज्ञा एंड नाउन मतलब नाम अगर किसी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है बहुत सिंपल सा रूल है वो पूरी एक डेफिनीशन होती है ना नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग एक्शन क्वालिटी सिचुएशन उसको भूल जाइए भूल जाइए इन द सेंस एक चीज पकड़ लीजिए नाम है तो नाउन है नाउन इज इक्वल्स टू नेम आपकी सहूलियत के लिए मैंने फिर भी सारी लिख दिए हैं सो so दैट आपसे कुछ भी मिस ना हो मैंने लिखा है पर्सन प्लेस एक्शन थिंग क्वालिटी एंड सिचुएशन स्टेट ये क्या होता है ये होता है आज नीचे से ऊपर आते हैं सिचुएशन क्या है स्लीप सिचुएशन है डेथ सिचुएशन है लाइफ सिचुएशन है ये सब क्या है ये सब किसी ना किसी सिचुएशन के नाम है इसीलिए ये सब नाउन है फिर है क्वालिटी कोई भी क्वालिटी हो सकती है हार्डवर्किंग एक क्वालिटी है ऑनेस्टी एक क्वालिटी है ट्रुथ एक क्वालिटी है ये सब क्या है क्योंकि इन सब के नाम है तो ये नाउन है थिंग एक्शन इनको कभी कन्फ्यूज मत करना थिंग मतलब कि दिस पेन It's a noun board. It's a noun. This watch. It's a noun. This shirt. It's a noun. Everything, thing, everything is noun. jiska naam hai wo noun hai फिर आता है action. Action को verb के साथ हमने confuse नहीं करना. वो होती है क्रिया और ये होता है कार्य. यानी कि work. कोई भी work, action, choice. वो क्या है noun है. And very simple. Place and person. शॉप है मॉल है मार्केट है सिनेमा हॉल है ये सब क्या है जगह के नाम है तो नाउन हो गए एंड पर्सन मंजू इज अ नाउन मेहर इज अ नाउन रिशान इज़ अ नाउन आपका जो नाम है क्या नाम है जो आपका नाम है वो भी नाउन है राइट सो आई होप अब आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आइडेंटिफाई से दो रूल्स जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं वो ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में आप बैंक पीओ या फिर सी जी एल और कोई भी एस एस सी एस एस बी कहीं पर भी आप जा रहे हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस एक सेंटेंस में मल्टीपल नाउन्स भी हो सकते हैं तो दो क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे उस सेंटेंस से तो आपका जो आंसर है वो हमेशा सही आएगा वो क्या हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में वर्ब्स भी सीखे थे ऑल एट ऑफ देम जिनमें से एक वर्ब था यानी कि क्रिया जो क्रिया है आपके जो सेंटेंस है उसमें जो क्रिया है यानी कि जो काम हो रहा है उस क्रिया से आपको ये चार सवाल पूछने हैं कौन किसने क्या या किसको फिर से बताती हूँ कौन किसने क्या या किसको कौन कर रहा है किसने किया क्या किया किसको किया इन चारों चीज़ों का जो जवाब में आपको आंसर आएगा ना वो आपका नाउन होगा और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है जस्ट टू आइडेंटिफाई वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इफ आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू दैट इंग्लिश स्टेटमेंट ट्रांसलेटेड उसको हिंदी में अनुवाद कर लीजिए अब आपने क्या करना है जिस पर क्रिया हो रही है और जो क्रिया कर रहा है यानी कि जिसे हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कहते हैं जिस पर क्रिया हो रही है वो आपका नाउन है और जो क्रिया कर रहा है वो आपका नाउन है आई एम श्योर इस टिप्स से आपके कभी भी कोई जो क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे अब हम आ जाते हैं काइंड ऑफ नाउन में कितने काइंड होते हैं फाइव काइंड होते हैं हम शुरू करते हैं फर्स्ट काइंड विच इज़ प्रॉपर नाउन व्याकरण में जिसे हमने हिंदी में सीखा था ना व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी भी स्पेसिफिक नॉट जस्ट ओनली व्यक्ति यानी पर्सन नो no. व्यक्तिवाचक का मतलब है पर्टिकुलर विशेष या फिर स्पेसिफिक जब हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन प्लेस एनिमल थिंग उन सबके बारे में जब हम बात करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में ये क्वेश्चन बहुत आता है एंड आई होप आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे एग्जाम्पल से समझते हैं मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए कि अच्छे से दिखे इसीलिए पूरा सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में लिखा है दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग सिर्फ जो हमारे नाउन होएगा यहाँ पर वो कैपिटल से स्टार्ट होएगा ठीक है महर वॉज़ बॉर्न ऑन मंडे हमने लिखा कि महर नाम से है कि एक लड़की उसका जन्म सोमवार के दिन यानी कि मंडे को हुआ अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक किसके बारे में बात कर रहे हैं हम मेहर के बारे में बात कर रहे हैं हम मेहर के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो स्पेसिफिकली ऑफ द सेवन डेज इन अ वीक जो हफ्ते में सात दिन होते हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर दिन को पैदा हुई थी किस दिन पैदा हुई थी मंडे को पैदा हुई थी तो ये दोनों ही मेरे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे ठीक है अब हम दूसरा करते हैं कि डेली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ठीक है ये तो सबको ही पता है न्यू डेली डेली आप जो भी लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा दिल्ली हम किसकी बात कर रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं है। यानी कि हम स्पेसिफिकली एक देश की जो राजधानी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कौन से देश के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में इंडिया की राजधानी क्या है दिल्ली है तो इसका मतलब ये दोनों भी मेरे प्रॉपर नाउन हो गए ठीक है जहाँ पे स्पेसिफिक है वो प्रॉपर नाउन है पर्टिकुलरली हमें पता है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है अब आई होप आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे द सेकेंड नाउन इज कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक नाम से थोड़ा सा इसका आपको अंदाज़ा आना चाहिए कॉमन नाउन का मतलब है वो नाम जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं जैसे कि आई एम अ गर्ल सो गर्ल क्या है कॉमन नाउन है क्योंकि जितनी भी फीमेल हैं उनके लिए गर्ल लेडी या जितने भी लड़के हैं उनके लिए बॉय जेंटलमैन ये वर्ड्स जो यूज़ होते हैं इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं अब इसी में आपकी डेफिनेशन भी छिपी है जो एक नाम पर्टिकुलर जाति को उस वर्ग को और इंग्लिश में बोले तो उस क्लास को जो डिफाइन करता है जैसे कि डॉग जितने भी डॉगीज हैं दुनिया में उनको हम डॉग ही बोलते हैं लेकिन अगर किसी के घर में कोई डॉगी है जिसका कोई स्पेसिफिक नाम है आई थिंक द मोस्ट फेमस नेम ऑफ अ डॉग इन इंडिया इज़ टफ़ी सो टफ़ी इज अ प्रॉपर नाउन लेकिन डॉग इज़ अ कॉमन नाउन इसके थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी वो क्या है इन तीन एग्जाम्पल्स में आपको कॉमन नाउन की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी मैंने लिखा रिशान हैज़ रेड मैनी बुक्स इससे पहले हमने क्या सीखा था प्रॉपर नाउन तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये तो एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में मैं बात कर रही हूँ बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है रिशान प्रॉपर नाउन यहाँ पे मैंने लिखा हैज़ रेड मैनी बुक्स मैंने ये नहीं बताया कौन सी बुक मैंने कहा बहुत सारी बुक्स तो बुक्स क्या है एक पर्टिकुलर कैटेगरी किताबों को रेफर जो कर रही है तो ये क्या बना मेरा कॉमन नाउन यहां पर काउस गिव मिल्क अब आप बताइए यहाँ पे कॉमन नाउन क्या हुआ यहाँ पे कॉमन नाउन हुआ मेरा काउस बिकॉज मैं किसी एक पर्टिकुलर काउ की बात नहीं कर रही हूँ मैं दुनिया भर की काउस के बारे में बात कर रही हूँ और यहीं पे एक और चीज़ हमारी आती है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन्स की उसमें उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी डिवाइड करा जाता है काउंटेबल ऑफकोर्स द नेम सजेस्ट जिनको हम काउंट कर सकते हैं वन बुक टू टेबल्स थ्री चेयर्स राइट तो वो काउंट हो गया अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल जैसे कि मिल्क अगर हम बोलते हैं वन ग्लास ऑफ मिल्क या वन लीटर मिल्क तो वो मिल्क को नहीं बता रहा है वो उसकी मेजरमेंट यूनिट है यानी कि उसकी जो इकाई की संख्या है वो है तो इसीलिए इसको अनकाउंटेबल कॉमन नाउन यहाँ पर कहा जाएगा ठीक है सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आपने सीख ली यहाँ पे थर्ड अगर आप ये वाला सेंटेंस देखते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया सबसे पहले तो द आर्टिकल है अब आपको ये इस्तेमाल करना आ गया है ना कि द कब इस्तेमाल होता है अब आप इसको देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसमें नाउन कौन से हैं अगर आपने ये कहा है कि इसमें तीन नाउन हैं देन यू आर राइट इसमें तीन नाउन हैं लेकिन कितने प्रॉपर नाउन हैं और कितने कॉमन नाउन हैं चलिए ये गैस करिए अगर आप कह रहे हो कि मैम तीन प्रॉपर नाउन हैं तो आप गलत हो क्योंकि दो बिल्कुल ठीक हैं कश्मीर और एशिया ये दोनों प्रॉपर नाउन हैं लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड एक जगह का नाम है उसके बावजूद भी ये प्रॉपर नाउन नहीं है ये कॉमन नाउन है चक्कर खा गए <laughs> क्यों है ऐसा ओके द रूल्स एज कि जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति वस्तु या जगह की जो तुलना हो रही है या उसका जो वर्ग है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्णात्मक भाव यानी कि विवरण करने के लिए एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसको कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस समय वो प्रॉपर नाउन हमारा कॉमन नाउन बन जाता है यहाँ पर हमने कहा है कि कश्मीर जो है वो एशिया का स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड का जो इस्तेमाल है इस सेंटेंस में वो वर्णात्मक भाव में इस्तेमाल हुआ है विवरण करने के लिए इस्तेमाल हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए कि कश्मीर को हम क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इसीलिए स्विट्जरलैंड यहां पर आपका कॉमन नाउन है थर्ड टाइप ऑफ नाउन द थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज योर कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन बोले तो हिंदी में समूहवाचक यानी कि समूह को जो दर्शाता है यानी कि कोई ग्रुप को कोई क्लास को जो वर्ग को दर्शाता है यहाँ पर हम कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे हैं बॉयज़ बॉयज़ जो एक वर्ड है वो पूरे जो बॉयज़ है उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है लेकिन अगर मैं बोलूँ बॉयज़ टीम गर्ल्स टीम तो टीम क्या है टीम समूह है बॉयज़ का टीम समूह है गर्ल्स का तो टीम जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है और बॉयज़ जो है वो हमारा कॉमन नाउन है आई होप अब आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे एग्जाम्पल से समझते हैं हमने लिखा मान लीजिए ये मेरी क्लास है और हमारी जो क्लास है उसका मॉनिटर का नाम है रामतेज राइट सो रामतेज इज द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास अब इसमें आपको अगर नाउन ढूंढना है कलेक्टिव नाउन ढूंढना है और बाकी नाउन भी ढूंढने हैं कैसे ढूंढोगे चलो आप मुझे कमेंट्स में लिख के देना फटाफट हम कवर करते हैं कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर क्लास क्योंकि वो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप है जो मेरी क्लास है कक्षा है उसको दर्शाता है तो क्लास क्या हुआ आपका कलेक्टिव नाउन हुआ और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है रिलेटेड टू इंडियन आर्मी मैंने सिमिली मेटाफर ये सब हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि सिमिली क्या होती है मेटाफर uh, क्या होता है और जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ऐसे ही आपका फिगर ऑफ़ स्पीच होता है जो आयल्स स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसमें क्या होता है कि आप अपनी जो सेंटेंसेस हैं उसको कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हो यहाँ पे आर्मी जो है आर्मी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जवान और जो हमारे सोल्जर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं उनका एक कलेक्टिव ग्रुप होता है इसीलिए आर्मी मेरा कलेक्टिव नाउन है अब हमारे लास्ट के दो नाउन् जो पाँच में से बचे हैं वो है हमारा मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि जब हम किसी भी पदार्थ के बारे में बात करते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी मटीरियल सब्सटैंस जिससे चीज़ें बनती हैं जैसे कि दिस वॉच इज मेड ऑफ स्टील सो स्टील क्या है आपका मटीरियल नाउन हो जाएगा दिस रिंग रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड आपका मटीरियल नाउन स्टोन ये सब चीज़ें क्या होंगी आपकी मटीरियल नाउन हो जाएंगी जहाँ पे भी कुछ सब्सटेंस है वो मटीरियल है एंड लास्ट नाउन जो है आपका वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट आपको देखो नाम खुद ही बता रहा है यानी कि जो दिख नहीं रहा है आपको लेकिन क्योंकि वो नाम है इसीलिए वो संज्ञा है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा अब ये भाव जो है वो क्या हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो जस्ट एक स्टेट होती है एक क्वालिटी होती है या फिर एक एक्शन होता है उसको हम बोलेंगे इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं चलो लिखा नहीं है मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ हम जैसे हिंदी में नहीं बोलते हैं कि गधे वाले ढाई दिन ऐसे इंग्लिश में भी एक कहावत है ब्यूटी इज़ ओनली नाइन डेज वंडर तो जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में बोला है कि जो सुंदरता है वो केवल नाइन नाइन डेज का यानी नौ दिन का ही एक चमत्कार है काइंड kind ऑफ of. तो ब्यूटी क्या है ब्यूटी सुंदरता इज अ स्टेट नॉट क्वालिटी क्वालिटी नहीं है स्टेट है तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट है इसी तरीके से जैसे हम कह देते हैं गरीबी पावर्टी पावर्टी क्या है एक स्टेट है तो वो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सो so, इस तरह की जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनके नाम तो होते हैं जैसे कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस क्या है एक स्टेट है ऑनेस्टी क्या है इक्वालिटी है तो ये सब जो होंगे आपके ये आपके भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए जाएंगे ये थे हमारे पांच नाउन एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ कौन कौन से थे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी गुड अब आपको इसको आइडेंटिफाई करने में या यूज करने में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम भी आए तो प्लीज मैंशन इन कमेंट्स आई विल गेट बैक टू यू अब हम जाएंगे नाउन के बाद नाउन के नंबर यानी कि जो काउंट हो सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी फिर हम बात करेंगे हमारे जेंडर के बारे में जो हिंदी में या जो हमारे जो वर्ल्ड है उसमें जो डिफरेंस ऑफ सेक्सेस होता है ग्रामर में उसको डिफरेंस ऑफ जेंडर बोलते हैं सिर्फ मेल फीमेल नहीं होते हैं चार होते हैं आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि एक साथ मैं आपको बर्डन नहीं करूंगी सो आई एम गोइंग टू कवर नंबर, जेंडर एंड केस केस यानी कि अपोस्टोफियस कब लगाना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टे कनेक्टेड एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज थैंक यू